नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 4,000 पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों 825 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जुड़े में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में 4,000 पदों पर भर्ती किया जाएगा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के, जिसके अंतर्गत दोस्तों इतनी बड़ी भर्ती पहली बार व्यापम द्वारा लिया जाएगा। प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों व इससे संबंधित अस्पतालों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 4,000 पदों पर भर्ती किया जाएगा। और जो ये भर्ती है दोस्तों, पहली बार व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा लिया जाएगा। अभी तक ये भर्तियां कॉलेजों और इनसे संबंधित अस्पतालों के स्तर पर ही की जा रही थी, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से शिकायतें आ रही थी कि प्रक्रिया के कारण भर्तियां लेट हो रही है और विवाद भी आ रहे हैं। इसीलिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज भर्ती कराने का फैसला किया है। इसकी सूचना जल्द ही व्यापम को भेज दी जाएगी, जिसके अंतर्गत दोस्तों वित्त विभाग की ओर से 800 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दिया गया है। और दोस्तों, आप लोग यहाँ पर कॉलेजों का नाम पढ़ सकते हो, कौन कौन से कॉलेजों में भर्ती किया जाएगा। महासमुंद, कोरबा, रायपुर, सिम्स, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, राजनांदगांव, जगदलपुर व सीएम कॉलेज दुर्ग में भर्ती किया जाएगा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मेडिकल कॉलेजों और संबंधित अस्पतालों में स्टाफ नर्स, क्लर्क, विभिन्न टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट और लैब अटेंडेंट के अलावा सफाई कर्मी व आया आदि के पदों पर भर्ती किया जाएगा। और दोस्तों, आप लोग यहाँ पर जो महासमुंद के कॉलेज है, इसमें कितने पद भर्ती किए जाएंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। महासमुंद में 825 पद पर भर्ती किया जाएगा, कोरबा में 825, इसी प्रकार कांकेर में 825 और अन्य कॉलेजों में 1525 पद पर भर्ती किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं कर रहे तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वित्त विभाग से 825 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दिया गया है। कभी भी विभाग की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक निवास प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द आप लोग बनवा लीजिए। और दोस्तों, जैसे ही विभाग की ओर से भर्ती संबंधित विज्ञापन जारी किया जाएगा, मैं आप लोगों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास इन भर्तियों संबंधित कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।